सोलन में बसें तो चल रही हैं, लेकिन बसों में बैठने से सवारियां आज तक डर रही हैं। कोरोना संक्रमण का खौफ लोगों के दिलों से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। यही कारण है कि बस संचालकों की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पहले बसें लॉकडाउन के दौरान बंद पड़ी थी, जिसके कारण संचालकों को भारी हानि उठानी पड़ी थी। अब बसें चलाने की अनुमति दे दी गई है तो सवारियां न मिलने से लोग बेहद परेशान हैं। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वे करें तो क्या करें। बसें मजबूरी में वे चलाने को मजबूर हैं, घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। निजी बस के चालक और परिचालकों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना के डर से लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें सवारियां नहीं मिल रही हैं। इक्का दुक्का सवारियां मिलने से उनका खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। लाभ तो दूर, यहां तक कि पेट्रोल का खर्चा निकालना भी बेहद मुश्किल हो चुका है। यही कारण है कि उन्हें कई माह से वेतन भी नहीं मिला है, लेकिन मजबूरी में वे जाएं भी तो कहां जाएं। उन्होंने कहा कि अगर यूं ही हालात रहे तो बसों को दोबारा बंद करना पड़ सकता है। भाई जी, मेरा नाम रामलाल है और मैं सोलन शिमला रूट पे चलता हूं। मतलब जब से किराया बढ़ा है ये तब से ऐसे मतलब कोई फ़ायदा नहीं, जब से 100% हुआ है तब भी कोई फ़ायदा नहीं। मतलब सवारियां ना बैठ रही है, ना उतना फ़ायदा है, जो पहले था बस वही सिस्टम है। मतलब उस हिसाब से जो पहले था कोई फ़र्क नहीं, मतलब ऐसे सेल में या मतलब कमाई में या कुछ कोई फ़र्क नहीं है। मतलब ऐसे कर रहे भाई जी, कई बार ही तो मालिक को जेब से लगाना पड़ता है, कई बार तेल भी जेब से डालना पड़ता है, कई बार बच जाता है 1000, 2000, 1500 रुपये। उससे चाहे ड्राइवर की तनखा, ड्राइवर कनेक्ट की तनखा दो, चाहे मतलब जो मर्जी खर्चे कर, मतलब ये खर्चे पूरे नहीं हो रहे गड्डियों के सारे। चिंता किस चीज़ से भाई जी, हम तो गुजरे, क्या करना। मालिकों को दे चाहे खुद रखे जाए, यहाँ तो दिहाड़ी भी नहीं मिलती नहीं टाइम से, क्या करना। नहीं, सवारी तो बैठ रही है, पर कोई आ रहा है मजबूरी वाला ही आ रहा है, जिसको मजबूरी है। बाकी सवारी किराए के लिए तो बोल ही रही है, तो हमारे हिसाब से किराया तो बढ़ना चाहिए था। जो किराया पहले था एक्चुअली में वो बहुत था किराया, पर जब तक स्कूल वगैरह नहीं खुले या कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं खुली तब तक काम नहीं खुलेगा। अभी गाड़ी अट पा रही है, खर्चा पूरा कर रही है। 3 महीने से हम चले हैं, 3 महीने से हमारे को कोई सैलरी नहीं मिली है, तो अभी तक ऐसी ही है। अभी देखते हैं अब चल के।